ज्ञान से बात है ये, इंसान को कोई भी कर्म करना चाहिए अपनी मर्यादा में रहकर करना चाहिए, और अगर हम दुश्मनी का बदला दुश्मन से देते हैं तो हम भी बराबर के जुम्मेवार हो जाते हैं। अगर कोई हमारा बुरा भी करता तो एक बार इतनी हिम्मत रखें कि हम उसका भला करने की सोचें। एक भजन के द्वारा कवि ने क्या कह दिया, कैसे भाई श्यान करे ते मर्या करे सारी रात भगवान श्री बाबा पंचमनाथ जी अपने बच्चों को और 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं ही बार बार, धन्यवाद धन्यवाद। तो जी हमारी बात किस टाइम की रहेगी, ये जब कौन क्यों छत्रानी सोमति उन नटनियों के साथ मिलकर साजा बादशाह के दरबार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहां जाकर देखा एक तरफ कौन के वो सरदार चाप सिंह फांसी के तख्ते पे खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ वो शेर खान शराब के जाम पी रहा था। घूंघट कर लिया, कदे तेरा पति तेरे को देख ले। अब नटनियों के साथ में मिलके नाचने गाने का प्रोग्राम पेश करती है कि दिया गाड़ सभा में बास कोई नाचो कोई कला कर। सजनों ऐसा प्रोग्राम पेश किया, साजा बादशाह बड़े खुश हुए,
हरिदेव कहने लगा भाई नाचने वाली मैं तेरे प्रोग्राम से बड़ा खुश हूँ और तू अपना मन चाहे नाम ले सकती है। नवली बादशाह सलामत, आप तो इनाम की बात कहते हो, मन चाहे तो इंसान को मौत भी नहीं मिलती। मतलब नाचने वाली शिवाय मेरे गर्दन तू कुछ भी मांग सकती है। तनु कहने लगी बादशाह सलामत बात सुन ले, मेरा इनाम एक है के आप किस महफिल में मेरा एक चोर बैठा है और वो चोर दे दे। कैसा चोर? कि जो परसों के रात को मेरे डेरे पे गया था 5,000 रुपए नकद और कुछ जेवरा चुरा कर फिलहाल आपकी महफिल के अंदर मौजूद है। बोला भाई एक बार उसकी तरफ उंगली करके बता दे कि ये इंसान आपका चोर है, इस महफिल के बीच में उसकी गर्दन को कलम कर दूंगा। सजनो सोमती नाव देखा ना तार उठा कर उंगली उस शेर खान की तरफ कर दी कि ये इंसान चोर है। इस शेर खान ने जब अपनी तरफ उंगली दी फिर बोला भाई साहब सलामत है, ये औरत मेरे को चोर बता रही है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी इस बदसूरत की सूरत को भी नहीं देखा। सोमवती ने इतनी बार सुनी नहीं बोली राम जादे, जब तने बगैर सूरत देखे इतना बड़ा काम कर दिया, यदि मेरी सूरत देख लेता तो तू क्या करता? तू अपना सिर का चीर तार का और सोमवती उस शेर खान के गले में डाल लेती है और कैसे क्या कहती वाला। जगत का पाया बोले बस सर सलामत, ये और मेरे साथ में कोई चाल चल रही है। निबोली ये चाल कौन है? दरबार के अंदर रखे फटकर कटार सुमति ने हाथों उठा लिए। निबोली जब मेरी शान तलक भी ना देखा, ये चीज कहाँ से लाया? भाई राजा हलदार साहब 100 रुपए सम्मान सम्मान करते हैं भाई जी को, बहुत तो धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन लगी रे शेर खान ने तनत ऐसी सफाई से काम कर दिया, जो निर्दोष था उसको दोषी बना दिया और तू दोषी होते हुए महफिल में जाम पी रहा है। कैसे? पहले नंबर पर छोरी खुद मुन सब बैठे अदल करण में
मुलजम बने अरे मुलजम बने बना पूछेगा पहले भी बहुत इनाम और 200 रुपए से हमारा माल हौसला बढ़ाई करते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद धन्यवाद ये अपने घर में लेकर बढ़ गया माल कीमती चोरी का खुद मालिक मुलजम बना दिया इतना नकब लगे कि मोरी का बनाया तू शांत लकड़ी गाड़ी जाती है
श्रोताओं, ये भगवान ध्रुवा पंचमनाथ जी और आप सभी लोग, कंपटीशन दो तरह के होते हैं। एक कंपटीशन बेश्रम कंपटीशन जिसको कहते हैं ना पैंद ना सिराणा और ना पंचायती, एक ना कोई भी रंग रहता बना कर ले आया और स्टेज पर खड़ा होकर गा दिया, दूसरा ने यूनिवे बेरा किस के है के, लेकिन उठ कर वो भी दिशा उस पर बना वो भी दो शब्द मिला दे और सारी पंचायत ताड़ी पी, भाई 25% तो करे दिया। ऐसे बेशरम टोल से दूर रहे इतना अच्छा। ओ मूर्ख तू कुर्सी बैठे बाबा जी बैठे थे ना, आश्रम करनी चाहिए कि मैं ये कंपटीशन जो यहां चल रहा है, भाई जितेंद्र मेरा अजीत है, हम जितनी हण गावांगे, हम तो वार्ता भी नहीं कर रहे, बीच में आपका पेटा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय व्यर्थ ना हो जाए, डंबार बैठे हो। क्या कह दिया तीसरी कली में कैसे, धर्म
अदरमान नहीं हो, धर्म छोड़ के कूड़ा नहीं खाली, और कति नहीं शर्माया तू, मेरे शांत लकड़ी मल के पछताया।